श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, बेल्डर इंस्ट्रक्टर, सरकारी उद्योग सिखलाई संस्था मानसा विखे मैं अपने सेवावां नूं हारियांगा। ते अपना जो अज दा टॉपिक आ उह है जी बट वैल्ड स्केयर बट ज्वाइंट ऑन स्टेनलैस स्टील सीट्स 1.6 mm थिकनैस विद दी हैल्प ऑफ टिक वैल्डिंग। टिक वैल्डिंग नूं आपां कहिंदे आ GTAW भी कह दिंदे आ। टिक मतलब टंगस्टन नट गैस, जां GTAW गैस टंगस्टन आर्क वैल्डिंग। तो जो ये अपनी स्टेनलैस स्टील शीटा नहीं है, स्टेनलैस स्टील शीटा की थिकनेस हैगी अपनी 1.6 mm, जा ये अपनी मार्केट 16 गेज कह के उपलब्ध ने, 16 गेज या 1.6 mm दीटा ने। इन्हों के उपर आप टिक वैल्डिंग की हेल्प नाल बट ज्वाइंट लगा। वैल्डिंग करते टाइम जो अपना कुछ तो पैरामीटर का ध्यान रखना गा, उन्होंने है जो अपना करंट आ टिक वैल्डिंग मशीन का करंट 80 to 90 ampere होना चाहिए गा। जिमें अपना हम 82 आ, अपन 80 to 90 ampere के अपना वैल्डिंग का करंट चाहिए गा। जो वैल्डिंग का करंट ज्यादा होगा जिहड़ियां अपनी जॉबा ने उन्होंने थोड़ा जहा जिमें कह देने कट लग जाते हैं, फिर अपने कट्टिया जाते हैं। करके करंट की जी रेंज 80 to 90 ampere के होनी चाहिए है। तो जो अपना गैस आर्गन गैस सिलेंडर चो आप गैस का फ्लो आगा, गैस का फ्लो होना चाहिए 6 to 8 LPM। LPM है लीटर च पर मिनट, 6 to 8 LPM होना चाहिए गा। तो अपना जो स्टेनलैस स्टील शीटा का अपना जो रूट गैप है जो आप वैल्डिंग करनी है, दोनों शीटों जो इस तरह आप बट ज्वाइंट लगा ना, दोनों शीटों के विचकार जो अपना रूट गैप आ वैल्डिंग करने तो पहला इन्हों के 1 to 1.5 mm रूट गैप होना चाहिए गा। जो भी आप वैल्डिंग स्टार्ट करनी है 1 to 1.5 mm के आप रूट गैप रखना गा। तो पहला आप दोनों अपन स्टेनलैस स्टील शीटा चंगी तरह स्टील के वायर ब्रश न साफ कर लेना गा, ता करके इन्हों की जो सरफेस आ सरफेस बिल्कुल कंप्लीट सही होनी चाहिए है। कुछ भी एक्सट्रा मटीरियल कोई ग्रीस वगैरह कुछ भी लग्या नहीं होना चाहिए, तो करके अपनी स्मूथ फिनिश आए। जो भी आप वैल्डिंग करिए स्मूथ फिनिश आए। तो अपना जो सेफ्टी प्रिकॉशन पहला अपन पूरी होनी चाहिए ने वैल्डिंग करने तो पहला, जिमें अपने ग्लव्स हो गए तो स्लीव्स के लिए हो गया, यह सारा प्रॉपर अपना सेफ्टी बूट गॉगल्स हैंड स्क्रीन सारा कुछ प्रॉपर अपने पहनया होना चाहिए गा। तो करके जो भी है टिक वैल्डिंग रेडिएशन ने बहुत ज्यादा हार्म ने, बहुत ज्यादा हार्म ने इन्हां नाल। जे अपने डायरैक्ट स्किन के उपर पैंदियां ने तो अपनी स्किन रेड हो जाती है, तो करके सेफ्टी बूट ग्लव्स यह सारा कुछ प्रॉपर अपना पहला पहनया होना चाहिए गा। पहला आप दोनों एंडज के उपर एक एक ज्वाइंट लगा लेंगे, इस तरह जिमें लगा रहे हैं दोनों एंडज के उपर एक एक ज्वाइंट लगा लेंगे। इन टैक वैल्ड कहते हैं, दोनों साइडा से टैक वैल्ड कर लेंगे। उस तो बाद आप फिलर रॉड के नाल वैल्डिंग करनी स्टार्ट करा। हथ नाल आपां चला रहे हैं जी फिलर रॉड, दूसरे नाल टिक वैल्डिंग इस तरह चलाउंदे रहांगे। आपां एक एंड तक आपां ज्वाइंट लगाता बट ज्वाइंट, हुण दूसरे एंड तो स्टार्ट करदे हां। फिलर रॉड दे नाल ते टिक वैल्डिंग दे नाल इस तरह आपां बट ज्वाइंट लगा देंगे, जिवें चल रहा है इस तरह बट ज्वाइंट लगा देंगे। दोनों साइडां तो विचकार आके आप मिला देंगे, इस तरह अपना बट ज्वाइंट पूरा हो जाएगा। इस तरह कंप्लीट हो जाएगा अपना बट ज्वाइंट, दोनों साइड आके विचकार मिला देंगे। देखो जी इस तरह अपनी बट ज्वाइंट हो गया टिक वैल्डिंग के नाल स्टेनलैस स्टील दी शीटां के उपर। इस तो बाद आप जिग फिक्सर के अपनी सीट को खोल लेंगे। थैंक यू जी।